हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पांच ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो यंग एथलीट करते हैं। जाने अनजाने में कुछ को पता होता है पर उनकी आदत बन चुकी है, और कुछ को पता ही नहीं है कि वो मिस्टेक कर रहे हैं। तो आज मैं ऐसी सारी मिस्टेक्स कवर करूँगा इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। गाइस, वार्म अप और कूल डाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्कआउट का। इसके बिना आप कोई भी वर्कआउट नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कि आप ग्राउंड में गए और एक अच्छे पेस से रनिंग स्टार्ट कर दी। आप स्टार्टिंग में 5 मिनट का डायनामिक स्ट्रेचिंग का सेशन ले सकते हैं। डायनामिक स्ट्रेचिंग करने के बाद आप धीरे धीरे एक पेस पे रनिंग स्टार्ट करिए, धीरे धीरे पेस को इंक्रीज करिए। फिर जब एंड में आपकी रनिंग, आपका वर्कआउट ख़त्म हो जाए, तो आप ऐसे ही धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को कूल डाउन करिए। और जब आप एक बार रुक जाते हैं, उसके बाद 5 से 7 मिनट वॉक करिए, उसके बाद रेस्ट पोजीशन में आइए। ये एक अच्छा मेथड है। ऐसे आप वार्म अप और कूल डाउन दोनों को इम्पोर्टेंस देंगे और आपके रनिंग में फ़ायदा होगा। अब मुझे पता है नॉर्मली आप सभी जानते हैं कि सांस कैसे लेनी है, पर रनिंग करते टाइम भी क्या ये प्रोसेस ऐसे ही सेम रहेगा? देखिए, रनिंग करते टाइम आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए आप मुंह से सांस लेंगे और नाक से सांस बाहर छोड़ेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने इसका उल्टा किया, आपने मुंह को बंद करके भागने की कोशिश करी, अगर आप एक अच्छे पेस पे भाग रहे हैं तो आपको नोज ब्लीडिंग या फिर वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारी बॉडी 60% वाटर से मिलकर बनी होती है। ब्लड की बात करें तो 93% होता है, मसल्स की बात करें तो 73% होता है। अब आप समझदार हैं, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए पानी कितना ज़रूरी है। तो जब आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिएगा, पर उससे जब आप जैसे वर्कआउट करने जा रहे हैं तो उससे 30 मिनट पहले ज़्यादा पानी मत पीना। वर्कआउट में वार्म अप करते टाइम, वार्म अप करने के बाद आप हल्का सा अपना गला गीला कर सकते हैं। उसके बाद पूरा वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद जब आप कूल डाउन पे जा रहे हैं तो अपनी वाटर बॉटल साथ लेके जाइएगा। अब एक और बात, ये पूरे प्रोसेस में आप जितना भी पानी पियेंगे वो हल्का सा गर्म हो। ऐसा गर्म पानी पीने से आपकी जो प्यास है वो जल्दी बुझ जाती है, तो आप गर्म पानी यूज़ कीजिएगा। अब आप ऐसा तो सोच ही नहीं सकते कि आप जब भी ग्राउंड पे जाएंगे तो अपना पर्सनल बेस्ट टाइम लगाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रनिंग में आपको बहुत चीज़ों का ध्यान देना होता है। सब चीज़ टाइमिंग ही नहीं होती है, रिकवरी, रिलैक्सिंग, इंजॉयमेंट, ये सभी चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप रनिंग से अपना इंटरेस्ट बहुत जल्दी खो दें। तो पॉइंट ये है कि आपको डेली एक ही रनिंग नहीं करनी है, एक प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल सेट कीजिए, उस पर काम कीजिए। उस वर्कआउट शेड्यूल में हील रनिंग, ईजी रनिंग, जॉगिंग, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, कोर एक्सरसाइज, ये सभी चीज़ें ऐड कीजिए। अगर आप सेट नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको एक प्रॉपर वर्कआउट बना के दे दूँगा। मॉर्निंग में जब मैं अपने ग्राउंड में जाता हूँ तो मैंने कई बच्चों को देखा है, वो इंडियन आर्मी की और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। मेरा ही बताया हुआ वर्कआउट वो दिन में 2-2 बार कर रहे हैं। ऐसा बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम सभी इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, पर हर चीज़ का एक तरीका होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी बॉडी पर ज़्यादा लोड लेंगे। आपको सेम टाइम पर रेस्ट और डाइट की इंपॉर्टेंस समझनी बहुत ज़रूरी है। हमारे जो परफॉर्मेंस होती है उसमें 50% डाइट का रोल होता है, 30% वर्कआउट होता है, 20% रेस्ट होता है। तो आपको सारी चीज़ें एक सेम टाइम में अच्छे रेशियो में करनी है। गाइज, ये थी 5 कॉमन मिस्टेक्स जो नए बच्चे करते रहते हैं, नए एथलीट करते रहते हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको परेशान करेगी। अगर फिर भी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर दीजिएगा। माई नेम इज़ अतुल, यू आर वॉचिंग माई चैनल अतुल रनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।